शुभ वास्तु में मेरिटेज सवाल आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व के प्रवेश द्वार के वास्तु के बारे में जानकारी दूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मेरे चैनल के बारे में जरूर बताइए। शुभ वास्तु चैनल मेरा एक प्रयास है वास्तुशास्त्र के ज्ञान को सरल और आसान शब्दों में आप तक पहुँचाने का। अगर वास्तुशास्त्र इस सब्जेक्ट में आप नए हो और इस सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। फ्रेंड, दक्षिण पूर्व के प्रवेश द्वार के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा है। दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट या ईस्ट यानी कि पूर्व और साउथ यानी कि दक्षिण के बीच की एक विदिशा यानी कि सब डायरेक्शन है। वास्तु शास्त्र में 8 दिशाओं का बहुत महत्व है। हर एक दिशा 45 डिग्रीज की होती है। तो यहाँ पर अगर हम उत्तर को 0 डिग्री कंसीडर करते हैं तो साउथ ईस्ट ये 135 डिग्रीज पर होगी। हर एक दिशा किस डिग्री पर शुरू और समाप्त होती है इसे डिटेल में मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक ऊपर दिए हुए आई बटन में है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण पूर्व के प्रवेश द्वार को अच्छा माना जाता है या नहीं, दक्षिण पूर्व के प्रवेश द्वार के गुण और अवगुण और दक्षिण पूर्व के प्रवेश द्वार के लिए वास्तु उपाय। चलिए शुरुआत करते हैं दक्षिण पूर्व के प्रवेश द्वार को अच्छा माना जाता है या नहीं इसे जानकर। साउथ ईस्ट के स्वामी ग्रह है वीनस यानी कि शुक्र, जो हमारे आर्थिक प्रगति में मदद करते हैं और 5 तत्वों में से अग्नि तत्व ये साउथ ईस्ट में होता है, इसीलिए साउथ ईस्ट को अग्निकोण भी कहा जाता है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार अग्निकोण में रसोई घर होना चाहिए और अगर प्रवेश द्वार साउथ ईस्ट में होता है तो इसे एक वास्तु दोष माना जाता है। पर यहाँ पर भी एक अपवाद है और वो है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट के पद में आने वाले प्रवेश द्वार को अच्छा माना जाता है, इसे डिटेल में मैंने अपने पॉजिटिव डायरेक्शंस फॉर एंट्रेंसेस के वीडियो में एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक ऊपर दिए हुए आई बटन में है। अब हमने जान लिया कि दक्षिण पूर्व के किस पद में आने वाले प्रवेश द्वार को अच्छा माना जाता है। अब हम जानते हैं कि दक्षिण पूर्व के प्रवेश द्वार के क्या गुण और अवगुण है। साउथ ईस्ट के प्रवेश द्वार में पैसे का प्रवाह तो बहुत अच्छा है, पर अग्निकोण होने के कारण ये पैसे अनचाहे चीजों में खर्च हो जाते हैं, बचत नहीं हो पाती है। इसके अलावा साउथ ईस्ट के प्रवेश द्वार वाले घर में घर के किसी न किसी सदस्य को लंबे समय तक चलने वाली स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि बीपी, थायराइड, डायबिटीज, हृदय से संबंधित रोग इत्यादि। इसीलिए हो सके तो साउथ ईस्ट के प्रवेश द्वार वाले घर और कार्यस्थल को आपको लेने से टालना है। फिर कुछ ऐसे व्यापार जो अग्नि से संबंधित है उनके लिए साउथ ईस्ट के प्रवेश द्वार को अनुकूल माना जाता है, जैसे कि बिजनेस जो तेल और तेल से संबंधित सामानों में डील करते हैं, इलेक्ट्रिक आइटम्स, पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रॉनिक सामान, अग्नि से संबंधित इंडस्ट्रियल यूनिट्स, होटल्स, फास्ट फूड सेंटर, ब्यूटी पार्लर इत्यादि। अब हमने जान लिया कि साउथ ईस्ट के प्रवेश द्वार के क्या गुण और अवगुण है। अब हम साउथ ईस्ट के प्रवेश द्वार के लिए वास्तु उपाय जान लेते हैं। प्लस किसी भी वास्तु दोष के उपायों से आपको 100% परिणाम नहीं मिल सकता है। उपायों से उस दिशा के दोषों को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। साउथ ईस्ट के प्रवेश द्वार के उपायों के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक ऊपर दिए हुए आई बटन में है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई और क्वेश्चन या क्वेरीज है या फिर आप कोई वीडियो सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट में लिखें। तब तक के लिए शुभ वास्तु एंड हैप्पी लिविंग।